हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपका अपना चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा अमेजन में जो भी ऑफर चल रहा है 500 कैशबैक, तो इसमें आपके पास मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। तो मर्चेंट अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अमेजन को ओपन करना है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो नीचे पर आएगा मर्चेंट सेंटर, तो उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद जो कि आपका मर्चेंट नहीं है तो आपको फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो उसमें आपको क्या डिटेल डालना है, तो जो भी नाम आपका आएगा तो उसको आप कैंसिल करके उसमें जो भी आपका शॉप नेम देना चाहते हैं तो शॉप नेम दे सकते हैं। तो आप इसमें जो भी शॉप नेम देना चाहते हैं तो रैंडमली आप दे सकते हैं, तो उसका जो भी नेम डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी कैटेगरी आप लेना चाहते हैं, तो बहुत सारा कैटेगरी है जो कि आपको ग्रोसरी का आइटम सेल करना है, और फूड और ब्यूटी का प्रोडक्ट, एजुकेशन और इसमें वेलनेस का प्रोडक्ट, तो जो भी आपको सेल करना है तो उस प्रोडक्ट का आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक रैंडमली एक जो कि उसमें कैटेगरी में सिलेक्ट कर देता हूँ जो कि फूड एंड ग्रोसरी। तो उसको क्लिक करने के बाद सब कैटेगरी होता है, तो ग्रोसरी में बहुत सारा जो कि आइटम आता है, तो इसमें आपको उसमें जो भी सब कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड, आपका जो भी डिलीवरी एड्रेस होता है, आपका घर में जो भी QR कोड पहुँचेगा तो उसका डिलीवरी एड्रेस जो भी होता है उसको डालना है। डाल के आपका लोकेलिटी, आपका सिटी, आपका स्टेट, उसको डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको जो भी QR कोड मिल जाएगा, तो उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आप जाके डायरेक्ट अमेजन जो भी अकाउंट होता है उसको जाके कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अमेजन पे बिजनेस एक एप्लीकेशन होता है, तो इसको डाउनलोड करना है। तो अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट जब भी मर्चेंट सेंटर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको अमेजन जो भी बिजनेस होता है उसको डाउनलोड करने के लिए बताएगा, तो आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टॉल मैं कर देता हूँ। तो इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद जो भी आपका अमेजन जो भी खुला था तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के जो भी लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह जो कि अमेजन के तरफ से एक जो कि पार्सल आपको रिसीव होगा, तो पार्सल में आपको क्या क्या आएगा, इसमें आपको QR कोड आएगा, इसमें स्टिकर आएगा, और कुछ जो कि आपको टांगने के लिए कुछ भी QR कोड भेजा जाएगा अमेजन के तरफ से। तो इसको ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद उसको QR कोड है, तो QR कोड में ऊपर उसका जो भी नीचे पे उसको आप बैंड करके आपका दुकान पर लगा सकते हैं। तो इसको नीचे पे जो भी साइड दिया है तो इसको जाके इसको बैंड करके आप लगा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा प्रोसेस इसमें करना है, उसके बाद इसको आप लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रोसेस बताऊंगा, तो आप वीडियो पे बने रहे, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको इसमें लिंक करना है, जो कि आपका QR कोड लिंक हो जाएगा सक्सेसफुली और इसको आप रिसीव कर सकते हैं कस्टमर से। तो इसको रिसीव करने के बाद आपको क्या करेंगे, अमेजन में QR कोड में नीचे पे एक नंबर दिया है, तो जो भी मैं सिलेक्ट किया हूँ तो इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए इस नंबर को आपको डालना है, आपका अमेजन जो भी ओरिजिनल अकाउंट होता है तो इसको क्लिक करना है। तो अमेजन पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो भी मैं मार्क किया हूँ अमेजन पे UPI, तो उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह प्रोसेसिंग लेगा, तो एक पेज ओपन होगा। तो चलिए पेज का ओपन मैं अपन दिखाता हूँ, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आ गया है, तो नीचे पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक पेज आएगा जो कि आप उसमें मैनेज UPI लिखा है, तो उसको क्लिक करना है। तो मैनेज UPI आईडी जो भी मैं मार्क किया हूँ तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह आपको आएगा, तो इसमें जो भी मैं मार्क किया था आपका QR कोड नीचे में जो भी नंबर है उसको डालना है। उसको डालने के बाद आपको क्रिएट UPI आईडी लिखना है, @FPL नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी है। उसके लिए आपको जो भी नंबर है नंबर ओनली डालना है, तो इसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसेस इसमें कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो क्रिएट UPI आईडी, उसको फुल जो भी आता है आपका नंबर इसको डालना है। तो डालने के बाद क्रिएट UPI आईडी लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस में कंटिन्यू करता हूँ।
और इसको डालने के बाद क्रिएट यूपीआई आईडी लिखा है उस पर क्लिक करके आप जो भी लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मेरा जो भी नंबर था मैं इसको डाल दिया हूँ। तो उसके बाद क्रिएट यूपीआई आईडी लिखा है तो उस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो भी आपको पैसा रिसीव होगा तो डायरेक्टली आप अमेजन पे में जाके चेकिंग कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउनलोड किया है अमेजन पे बिजनेस इसमें भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको वॉइस देना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक करके उसका जो भी वॉइस को ऑन कर सकते हैं। तो जो भी आप कस्टमर से रिसीव करेंगे तो आपको वॉइस आएगा जो कि हिंदी में हो सकता है और इंग्लिश में भी है। तो इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं जो कि आपको वॉइस में बात करेगा, तो आपको जो भी रिसीव होगा पेमेंट तो वॉइस में आ जाएगा। तो इसको क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो कि मोबाइल नंबर था मोबाइल नंबर हट के आपका जो भी यूपीआई आईडी जो भी क्यूआर कोड में था नीचे पे तो उसका ईमेल आईडी लिंक हो गया। तो लिंक होने के बाद उसका क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड आपका जो भी फिजिकली मिला है उसको टांग के इसमें रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह करेंगे तो आपका कैशबैक जो भी मिल रहा है आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 10 डेज पे। तो इस चैनल में इस तरह ऑफर मिलता है और टेक्निकल रिलेटेड वीडियो मिलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं आपके पास कितना मर्चेंट अकाउंट है। तो रहता हूँ, नमस्ते, थैंक यू।